यार नायरा, ये कब तक ये टपरी की चाय पीते रहेंगे? कुछ ऐसा करो ना कि मुझे सुबह सुबह तुम्हारे हाथों की चाय मिले और मेरी सुबह खूबसूरत हो जाए। हाँ कार्तिक, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुम्हें रोज सुबह अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाऊं, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार नायरा, यूँ छुप छुप के मिलना, यूँ सड़कों पर भटकना, ये टपरी की चाय पीना, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर हमारा रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा ये रिश्ता प्यार का रिश्ता कहलाता है कार्तिक, और दोबारा शादी करके ना हम इस रिश्ते को पूरा भी करेंगे। बस प्लीज प्लीज थोड़ा सा वेट और कर लो कार्तिक। डिवोर्स हुआ है, दोनों छुप छुप के ही मिल रहे हैं, कभी इनके घर विंडो से चढ़ के आया जाता है, कभी फैमिली से छुप के बाहर एक पूरा सजा कर मिल रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। तो एट द सेम टाइम दोनों को एक डर है, और दोनों को नहीं पता था कि दोनों को ही ये डर है। एक तो चीज़ के दे बोथ रियली बिलीव इन कर्मा, दे बोथ रियली बिलीव कि हमने अभी इतना दुख दिया है तो हो सकता है कि हमारी शादी पे कोई अड़चन आए, हम शायद एक ना हो पाए, तो वो एक डर है जो बार बार उनके मन में आ रहा है। जी हाँ, कार्तिक और नायरा एक बार फिर अपने बिगड़े रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए नायरा आज घर वालों से छुपकर कार्तिक से मिलने चली आए हैं इस चाय की दुकान पर, जहाँ दोनों चाय की चुस्कियों के साथ कर रहे हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग। भाई मौका कोई भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, कार्तिक और नायरा को रोमांस करने का बहाना मिल ही जाता है, और आज भी इन दोनों के बीच कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बाय टू ईच अदर आल्सो, बिकॉज इसके बाद फिर आगे डिसाइड करना है उन्हें कि लाइफ में क्या करना है, अभी शादी की बात करनी है फैमिली वालों से या नहीं, तो एक ऐसे पॉइंट पे बाय भी बोल रहे, थोड़ा सा रोमांस है पर उससे ज़्यादा दोनों बहुत इमोशनल, दोनों काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि फैमिलीज दोनों के अगेंस्ट हो गई हैं, वो लोग नहीं चाहते, और वो लोग बहुत हर्ट हो गए हैं ये सुन के कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन्होंने हमारे इमोशंस के साथ खेला, एक पल में ये कभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ बोल रहे हैं, फिर कल के दिन पता नहीं क्या बोलें, तो वो लोग ये समझते हैं कि हम अपनी बात को लेकर अभी भी श्योर नहीं हैं। अजी घर वालों की फिक्र छोड़िए, आप तो अपने रिश्ते को अगले लेवल तक ले जाने के बारे में सोचिए, और भाई इसकी तैयारी तो हो भी चुकी है, क्योंकि कार्तिक और नायरा ने कर लिया है एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने का फैसला। और रही बात आपकी कहानी में आने वाले नए ट्विस्ट की, तो उसके लिए विघ्नहर्ता का आशीर्वाद आप दोनों के ऊपर बना है। जी हाँ, तो फिर देर किस बात की, हाथ जोड़कर पप्पा के दरबार में ले लीजिए उनका आशीर्वाद कि आपकी जोड़ी भी यूं ही बनी रहे, और छप्पर फाड़ टीआरपी का वरदान भी आप पर बना रहे। आज तक ब्यूरो।